पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल पक्ष में आता है पितर पक्ष, जिसमें पितरों या पूर्वजों की पूजा की जाती है, उन्हें श्राद्ध अर्पित किए जाते हैं। पितृपक्ष की पूरी जानकारी के लिए हमने शहर के पंडित से बात की, पितृपक्ष के बारे में विस्तार से बताया। जैसे कि हमारे सनातन परंपरा में अपने पितरों को पूजन करने, उनको मनाने का समय तो पूरे वर्ष भर दिया गया है। प्राचीन समय में लोग जब नदी या तालाब में स्नान करने जाते थे तो वहाँ भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में अपने पितरों के निमित्त उसी नदी या तालाब में खड़े होकर के तर्पण भी करते थे। तर्पण को नित्य नैमित्तिक कहा गया है, हमेशा करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। यह जो है अपने पितरों के निमित्त एक श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करता है। जो पिता दादा परदादा हमको जन्म दे करके, पालन पोषण करके, लायक बना करके, अपना पूरा जीवन हमारे निमित्त त्याग करके परलोक को चले गए हैं, उनको केवल याद कर लेना या उनके निमित्त थोड़ी सी श्रद्धा दिखा देना, यही श्राद्ध तर्पण कहलाता है, जो करना चाहिए। रिपोर्ट, किसी भी 24 न्यूज़, रायपुर।